25 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 3 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त को एक दोस्त के साथ शराब पी, इसके बाद रेड लाइट एरिया गया, रास्ते में एक लड़की को मोलेस्ट किया, इसके बाद देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी। सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा। संजय के मुताबिक वारदात के बाद वो अपने दोस्त के घर गया जो कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। सीबीआई की टीम दोपहर 12:30 बजे प्रेसिडेंसी जेल पहुंची थी। मामले में 10 पुलिस अधिकारियों समेत 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय हेरफेर के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर 25 अगस्त को छापेमारी की। ये छापेमारी करीब 11 घंटे तक चली, जिसमें सीबीआई अधिकारियों ने कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। माना जा रहा है कि इन सबूतों से पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ केस और मजबूत होगा। सीबीआई की टीम घोष के अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, पूर्व सुपरिटेंडेंट और हावड़ा के एक मेडिकल सप्लायर के घर भी पहुंची थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।